सो आज है कौन है दिन इन माइनक्राफ्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकन के बारे में, जो कि ज्यादातर बिगनर्स प्लेयर ध्यान नहीं देते हैं, पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। तो चलो बीकन के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले बीकन 4 लेवल के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो 3x3 ब्लॉक की होती है, और सेकंड 5x5 और 3x3 ब्लॉक की होती है, और थर्ड 7x7 ब्लॉक, 5x5 ब्लॉक और 3x3 ब्लॉक की होती है, और सबसे लास्ट 4th लेवल की, जो कि 9x9 ब्लॉक, 7x7 ब्लॉक और 5x5 ब्लॉक और 3x3 ब्लॉक की होती है। और तुम लोग इसको 5 चीज से बना सकते हो। नेदरराइट की ब्लॉक, हाँ मैं मान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए मैंने 3 ब्लॉक की बनाई। खैर ये मैंने क्रिएटिव मोड से बनाई है, पर चलो हमें क्या। और सेकंड गोल्ड की ब्लॉक से, थर्ड डायमंड की ब्लॉक से, और फोर्थ सबसे इजी आयरन की ब्लॉक से, और फिफ्थ है इमराल्ड की ब्लॉक से। ओके अब इसके पावर के बारे में बात करते हैं। ओ भाई पिंक सीप, लिटरली मैंने इसको कलर नहीं किया, सच में मैंने कलर इसको किया नहीं है भाई, पिंक सीप वाओ। ओके मैं सबसे पहले तुम लोग को बता दूं कि गोल्ड ब्लॉक, नेदरराइट ब्लॉक और एमराल्ड ब्लॉक और आयरन ब्लॉक, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पिरामिड के साइज से फर्क पड़ता है, और ये नॉर्मल ब्लॉक, नेदरराइट, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। पर सबसे देखते हैं सबसे फर्स्ट लेवल वाले ब्लॉक में, मतलब सबसे फर्स्ट लेवल वाले बीकन में क्या पावर मिलती है। सबसे फर्स्ट वाले लेवल के बीकन में अपने को मिलता है स्पीड और हेस्ट, ये सब फर्स्ट लेवल की है। इसके हाईएस्ट लेवल सेकेंड होती है, स्पीड 2 और हेस्ट 2। फिलहाल के लिए हमें स्पीड और हेस्ट मिल रही है, जो कि फर्स्ट लेवल की है। मैंने स्पीड सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर तुम लोग कोई भी डाल सकते हो, या नेदरराइट इंगट, या इमराल्ड, या डायमंड, या गोल्ड, या आयरन। सो मेरे पास आयरन है, तो मैं आयरन डाल देता हूँ, और आयरन डालने के बाद इसको राइट कर दो। तो तुम लोग राइट साइड में देख सकते हो, बस मेरे पास स्पीड क्या आ गई है। सो देखो थोड़ी स्पीड तो बढ़ गई है, मतलब कि स्पीड पोशन के बराबर ही है। ओ भाई नीचे गिर गया, और रात भी हो चुकी है, भाग घुमा की आंख। और अपने को मिल रहे हेस्ट, इस पर भी अपन आयरन डाल देंगे और राइट कर देंगे। सो हेस्ट 1 है, जिससे थोड़ी स्पीड से माइनिंग होगी। मैं तुमको लास्ट वाली बीकन में समझाऊंगा इस हेस्ट का मतलब। ओके चलते हैं सेकंड बीकन की ओर। सो सेकंड में हमें मिलती है स्पीड, हेस्ट, रेजिस्टेंस और जंप बूस्ट। सो ऊपर वाली दोनों तुम लोग को पता ही होगी। सो इसमें मैंने रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर लिया है। सो रेजिस्टेंस का मतलब है तुमको कोई ही मॉब हिट करेगा तो तुमको कम से कम डैमेज होगी, कम से कम बोले तो जस्ट हाफ डैमेज होगी। अगर स्केलेटन अपने को मार रहे हैं, अगर स्केलेटन अपने को एक हिट करे तो उसमें 2 डैमेज होती है नॉर्मल में, तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद अपने को 1 डैमेज होगी। आई होप कि इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगे। सो देखते हैं थर्ड लेवल की बीकन में अपने को क्या मिलती है। सो इसमें मिलते हैं स्पीड, हेस्ट, रेजिस्टेंस, जंप बूस्ट एंड स्ट्रेंथ। सो जंप बूस्ट तुम लोग को पता ही होगा, स्ट्रेंथ मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सो रेजिस्टेंस का मतलब है तुम लोग किसी एनिमी या किसी चीज को हिट करोगे तो उसको थोड़ी ज्यादा डैमेज होगी, ये सिर्फ एक बार में मर जाते हैं। ये मेरे को पता है 2 हिट में मरती है, पर अभी 1 हिट में मर गई। पहले देखते हैं क्या दे रहा हमें। तो भाई ट्री की सैपलिंग्स तो दे रहा है, पर बहुत गंदी ट्री की सैपलिंग्स दे रहा है कि 2 हिट में मर जाए, पर नॉर्मल में 3 या 4 हिट लग जाते हैं इनको मरने में। ओके सो अब पारी है सबसे लास्ट 4th लेवल की बीकन की। इसमें तुम लोग को थोड़ी अच्छी चीजें दिखेगी, जैसे कि तुम्हारा रीजनरेशन हमेशा से इंक्यूब्ड रहेगा। रीजनरेशन मतलब कि ये तुम्हारी हेल्थ बार है वो कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। एक मिनट दिन कर लूं मैं। इसमें सेकंड लेवल की अपने को मिल हेस्ट 2 सेकंड लेवल की, एंड स्पीड सेकंड लेवल की, रेजिस्टेंस भी सेकंड लेवल की, और जंप बूस्ट सेकंड लेवल की, और स्ट्रेंथ भी सेकंड लेवल की। सो तुम लोग इसमें सेकंड लेवल तो इंक्यूब कर ही सकते हो। मैंने तुम लोग को हेस्ट नहीं बताई ना, पहले हेस्ट बता देता हूँ। सेकंड लेवल की मैंने इंक्यूब कर ली। ओके देखो हेस्ट 2 अपने पास आ चुकी है। अब मैं तुमको इनका इसका काम बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से नीचे गया, ओके सो मैं नीचे देखो आ चुका हूँ, और अगर मैं इनको माइनिंग करूँ तो ये देखो कितनी स्पीड में हो रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं भाई। क्या स्पीड है इस पर, हम अपन लोग इतनी ज़्यादा माइनिंग कर सकते हैं स्पीड पर कि पूछो ही मत। अहो तुम लोग को समझ आ चुका होगा, ओगिस तुम लोग के हेस्ट का मतलब तुम लोग को समझ आ गया होगा। और टॉप नॉच की बीकन में तुम लोग 2 पावर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बार हेस्ट दबाई और हेस्ट के आइकन को दबाऊंगा, अब मैं सिलेक्ट करूंगा जंप नहीं स्पीड। ओके अब मैं राइट कर दूंगा तो मेरे पास एक साथ फर्स्ट लेवल की एक हेस्ट की और एक स्पीड की पावर आ जाएगी। सो ये देख सकते हो तो स्पीड की पावर आ चुकी है मेरे पास, और हेस्ट की पावर भी है। रुको नीचे जाकर दिखा दो तुम लोग को। ओके अब देखना तुम लोग स्पीड, ये देखो भाई क्या स्पीड है। वो हेस्ट 1 की है, ये हेस्ट 2 की तो भाई पूछो ही मत, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है। ये देखो आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। सो हेस्ट माइनिंग में काम आती है, स्पीड से स्पीड बढ़ती है, रेजिस्टेंस से तुम लोग को डैमेज कम होती है, जंप तुम लोग ऊंची जंप कर पाते हो, स्ट्रेंथ से एनिमी को ज़्यादा डैमेज होती है, और रीजनरेशन से तुम लोग रीजनरेट जल्दी कर पाते हो, मतलब कि तुम्हारी हार्ट जल्दी रीजनरेट होगी। जैसे कि मैं इसको खाऊं ये तुरंत रीजनरेट हो जाएगी। ओ आई थिंक मैंने रीजनरेट नहीं लगाई है। जावा में बहुत अच्छा है कि रीजनरेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल में ही बिना बीकन के, और अपने में तो रीजनरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बेड रॉक में मेरा मतलब। तुम लोग का क्वेश्चन होगा
कि बीकन कितनी दूर तक काम आती है। सो तुम लोग ग्राफ देख सकते हो, फर्स्ट लेवल की बीकन 20 ब्लॉक तक, सेकंड लेवल की बीकन 30 ब्लॉक तक, थर्ड लेवल की बीकन 40 ब्लॉक तक और फोर्थ लेवल की बीकन 50 ब्लॉक तक, मतलब 50 ब्लॉक तक। भाई फिफ्थ क्या हो गया, 50 ब्लॉक तक। और आयरन की बीकन और इमराल्ड की बीकन दोनों सेम है और ये 63 ब्लॉक तक दिखाई देती है। ये देखो मैं 63 ब्लॉक पर खड़ा हूँ और 64 में ये बंद हो जाएगी। और बीकन बनती है नेदर स्टार से। ओके, सबसे पहले उनको ग्लास लगानी है, देन बीच में नेदर स्टार्स और नीचे में 3 ऑब्सीडियन। वेदर ऐसा खतरनाक नहीं, पर तुम लोग इस वर्ल्ड पे उसके लड़ो, तुम लोग नहीं जीत पाओगे। कि मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि वो क्या हाल करती है इस वर्ल्ड की। ये देखो भाई क्या हाल किया है उसने। और अगर तुम लोग इतनी लैग में उससे लड़ो तो भाई जीत ही नहीं पाओगे। अलग वो 50 HP होने बाद नीचे आ जाती है, उसके बाद पर वो विदर स्केलेटन छोड़ने लगती है जो कि अच्छी खासी डैमेज दे देती है। उससे तुम लोग लड़ सकते हो समुद्र के ऊपर में ऑब्सीडियन की सरफेस बनाकर या नेदर में बेडरॉक रूप पर। और बीकन की तुम लोग को एक अच्छी और खासियत बताता हूँ कि तुम लोग बीकन के ऊपर में जो कलर की तुम लोग ग्लास रखोगे ये बीकन की लाइट उस कलर में बदल जाएगी। जैसे कि इस पर मैंने ग्रीन रखी है और इस पर मैं रख देता हूँ पिंक कलर की, तो देखो ये पिंक हो गई। और इस पर मैंने रख दिया येलो कलर की और ये येलो हो गई। और इस पर मैंने रख दिया ब्लैक कलर की, ब्लैक हो गई, कि ग्रीन तो मेरे को इसमें रखना था क्योंकि ये ग्रीन कलर की है। सो ये फीचर्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम लोग इससे रेमबो वाली बीकन बना सकते हो बहुत सारी। सो आई होप कि तुम लोग बीकन के बारे में समझ गए होगे। सो या इस वीडियो को अपन यही करते हैं। अगर वीडियो तुम लोग अच्छे तो लाइक करना, से मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।